अलअरब फल अकरब जितना हुसैन से करीब होंगे उतना खाक अच्छा खाक उठाने का तरीका मुश्किल है कि हम तो खाक खरीद के ले आते हैं या फिर वो खुदाम ने आपको दे दी अपनी जेब से निकाल के बहुत मख्तसर जुमले वक्त नहीं है वरना पूरे तरीके बयान करता खा के शिफा उठाने का वक्त है खा के शिफा उठाने से पहले गसल है खा के शफा उठाने से पहले ख़ास कस्म की खुशबू का इस्तेमाल है खा के शफा उठाने से पहले चार रकत लंबी नमाज है रकत अव्वल में अलम के बाद ग्यारह मरतबा काफर दो में अलम के बाद ग्यारह मरतबा सूर कद्र सोय में अल्हम के बाद ग्यारह मरतबा सूर तोहीद और चौथी रकत में अलहम के बाद ग्यारह मरतबा सूर फतेह फते फता मुबीना उसका कनूत भी खास और दुआए वहदत के अंदाज में मिलेगा बिहार के अंदर मुस्तक करने मिलेगा आपको अफाती में नहीं है ये खास नमाज फिर खास नमाज पढ़कर फिर इमाम से परमिशन ली जाती है मैं आपकी जमीन मुकदस से उठाऊं को इजाजत है हल बात पढ़े मोहम्मद अच्छा हमारे और आपके अंदाज़ क्या है वो तो आप मालूम उठाया जेम रख लिया बहुत तफसील छोड़ते हुए ये तमाम बातें खाके करबला की अहमियत पर याद रखी है खा करबला ऐसे महफूज की जाए कि जैसे मासूम ने फरमाया तो असर भी वैसा ही होगा